हमारे बीच में गुजरात से बीना जाधव एक महिला हैं जो अधिकार मंच को चला रही हैं और हमारे बीच में हैं। और आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज का जो कार्यक्रम किया गया है इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा, क्या भला होगा। मैडम, आज का जो बाबा साहब का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, ये महापरिनिर्वाण दिवस, इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि ये तो शहर है, दिल्ली के अंदर इस तरीके का कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटनाएं होती हैं तो मतलब उनका समाधान हो जाता है, लेकिन गाँव दे जैसे आप गुजरात से चल के आए हैं, गुजरात के अंदर कई प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। क्योंकि हम जो है गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर 45 लाख जो दलित पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज जो सम्मान के लिए संघर्ष की जो एक बात को बात के चलते ये जो प्रोग्राम आज का रखा गया है, इसमें अलग अलग स्टेट से, भारतवर्ष में से अलग अलग स्टेट में से लोग यहाँ पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो ये बात जो है बाबा साहब की, और बाबा साहब ने जो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की जो बात की है, वो हम गांव के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो तक वंचित है, मेरे हिसाब से वो पिछड़े हुए नहीं है क्योंकि उनको तक नहीं दी गई है, तो उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यही बात है, मुझे लगता है कि ये आज के जो विचार है वो हम गांव तक, हमारे जो लास्ट में वहां तक पहुंचाए, वो सबसे बड़ी बात है। मजदूर अधिकार मंच आपने चला रहे हैं और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, तो आज जैसे बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया था, क्या उन अधिकारों को दिलाने में आप कितनी मतलब कोशिश कर रही हैं? मजदूर अधिकार मंच जो है वो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए हम काम करते हैं गुजरात में, पूरे गुजरात में, जहाँ पे जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, जैसे वो एमपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, यूपी से आते हैं, उन मजदूर जब गुजरात में आते हैं, क्योंकि गुजरात जो है वैसे इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, और आज गुजरात के अंदर मतलब मजदूर बाहर से आते हैं जिनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है, तो उन मजदूर वहाँ पर जब आते हैं तो उनको मिनिमम वेज मिले। बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं क्योंकि वो आउट स्टेट से, दूसरे राज्य से होते हैं, तो उनको बिना मजदूरी दिए निकाल दिए जाते हैं, कभी उनको मतलब बॉन्डेड लेबर के तहत गुजरात में रखा जाता है, तो इन मजदूरों के लिए हम लड़त करते हैं। दूसरी बात, उन मजदूरों की बस्तियों में उनको पीने का पानी मिले, बच्चों को एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएँ, मतलब प्राइमरी जो सुविधाएँ हैं वो उन तक मुहैया हो, उसके लिए हम कार्यरत करते हैं, और साथ में उनका एक संगठन बने, क्योंकि संगठन होगा तब जाके उनका मतलब उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे और उनके हक और अधिकार के लिए जागृत हो सकते हैं। मैडम, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल आज़ाद होने के बावजूद महिलाओं को जो एक प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं मतलब 100% आपकी बात से सरोकार रखती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है आज भी हमारे पितृ प्रधान समाज जो व्यवस्था है उसमें कुछ महिलाएं जो है मतलब आगे बढ़ जाती है, पर वो महिलाएं कौन आगे बढ़ी है? क्या उसमें कोई दलित, आदिवासी या जो ओबीसी समुदाय जो है उसमें से आई हुई है? एक बहुत बड़ा सवाल यह हमारे लिए, और मुझे लगता है कि महिलाओं की परवरिश जो है और उनको जो मतलब उनका जो उछेर किया जाता है घर में, वो इसीलिए किया जाता है कि भाई उसको तो पढ़ के क्या करेगी, ससुराल में ही जाना है, तो एक और चौका बर्तन ही करना है, उसके आगे मतलब करके क्या करेगी वो, उसको आगे तो कहीं जाना नहीं है। तो ये जो समाज की जो सोच है उसमें जब तक बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं मजदूरों के साथ काम करती हूँ तो मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चियाँ हैं, मतलब लड़के को तो पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, पर बच्ची जो है वो अपने छोटे भाई बहन को संभालेगी, और इसी तरीके से मतलब वो बच्ची जो है वो बड़ी होकर शादी करेगी, और इसके बाद फिर वो बच्चा मतलब उसका बच्चा होगा और मजदूर ही होगी वो, तो ये एक समाज मजदूर के रवैये से ये है, और वही चीज हर एक समुदाय को लागू होती है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, या पिछड़ा हुआ जो भी वर्ग है, उन सब में यही होता है।